झारखंड के सरकारी स्कूलों में देख रहे हैं रूम नंबर 8 है जो प्रयोगशाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो देख सकते हैं जो साइंस लाइब्रेरी यहाँ पर है। सर आप मुझे बताएंगे कि ये सब सिर्फ रखे हुए हैं या कोई काम में आते हैं? सर ये बिल्कुल रनिंग लेबोरेटरी है और बच्चे रूटीन के अनुसार यहाँ पर आकर के प्रैक्टिकल करते हैं। इस लेबोरेटरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। सर थोड़ा सा कैमरा को इधर कीजिए ना प्लीज। ये इस तरफ ये बायो का सेक्शन है, इधर बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। चूंकि ये कंपोजिट लैब है, हमारा प्लस टू नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग लैब रहे। इधर ये केमिस्ट्री सेक्शन है, ठीक है। अब आइए आपको यहाँ फोन दिखाते हैं। इधर दिखाए कैमरामैन भाई, ये जो है हमारे बच्चों की कृतियां हैं। अच्छा, जो बच्चे ने बनाया है, जो बच्चों ने बनाया है और जो विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत हुई है, ठीक है। जैसे ये देखिए, मोदी जी का जब स्वच्छ भारत मिशन चला था तो ये जिला लेवल पर फर्स्ट प्राइज लाया था। इसका जो कंपोजिशन है ये सिंगल बैटरी से चलने वाला है। ये मशीन है, आगे से ये झाड़ू देता है और पीछे से ये पोछा लगाता है, ठीक है। तो ये झाड़ू पोछा एक साथ काम करने वाला ये मशीन है। हमारे बच्चों के दिमाग की उपज है, बच्चों ने बनाया है। ये जो आप छोटी सी मशीन देख रहे हैं ये इस बैटरी से चलता है। इसमें चावल और भूसा को अगर आप एक साथ डालेंगे और स्विच दबाएंगे तो इससे भूसा निकल जाएगा और चावल सब इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ने बनाया है, बच्चों ने बनाया है सर, शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चे बनाते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को ये गिनती पहाड़ा सिखाने वाली या ABCD सिखाने वाली ये मशीन है, ठीक है। इसमें कई जो है वो ये गोल जो सीडी का डाइस होता है, यहाँ पर कई डाइस पड़ा होगा, ठीक है। जैसे अभी इसमें 2 सुई वाला लगाए हैं हम, फिर 3 सुई वाला लगा देंगे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए, 2-3 शब्द का वो बनाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार का देखिए, इस प्रकार का बहुत सारा डाइस इसमें बदल करके, ठीक है। और हम लोग जो है इसकी मदद से बच्चों को अक्षर ज्ञान वगैरह कराते हैं। आइए एक बेजोड़ चीज आपको दिखाते हैं। ये जो है ये जिला लेवल पर पुरस्कृत किया हुआ मशीन है और राज्य लेवल तक ये प्रसिद्ध है। ये भूकंप सूचक मशीन है, ठीक है, होममेड भूकंप सूचक मशीन है। बच्चों ने इसको शिक्षकों के मार्गदर्शन में बनाया है। जब भी धरती में अगर हल्की सी कंपन होगी तो ये उसमें देखिए 2 लाइट लगा हुआ है, इमरजेंसी लाइट, ठीक है। हाँ, देखिए कंपन हुआ और इसने बजना शुरू कर स्टार्ट हो जाएगा। रात में अगर आप पूरे परिवार सोए हुए हैं और अगर धरती में कंपन होती है, ठीक है, तो उस कंपन से ये आपको साउंड देगा और इतना पर्याप्त साउंड देगा कि आप कम से कम जग जाएं। देखिए जैसे मैं इसको जरा कंपन करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे धरती में कंपन हुआ ये बजना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है ये छोटे बच्चों को गिनती पहाड़ा ABCD ये सब सिखाने वाली मशीन है। इसमें बैटरी का कनेक्शन करके और इसको जो है स्पिन करा करके हम लोग सिखाते हैं। फिर इधर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों ने बनाया है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं बहुमूर्ति दर्शी। इसको जब आप देखेंगे आंख लगा करके तो इसमें फिलहाल आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें से अगर 1-2 ये डाल करके देखेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी जितना संख्या आप डाल लें और इसको घुमा घुमा के देखेंगे, जितना बार घुमाएंगे उतना नया नया तरीका का डिजाइन बना बना के ये आपको फूल पत्ती दिखाएगा। आप अपने हाथ में लेकर के एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको घुमाने पर एक अलग अलग प्रतिबिंब बन जा रहा है, अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब हमारे बच्चे बना करके रखे हुए हैं। और उधर जो है आपको बता ही दिया, बायोलॉजी का, उधर केमिस्ट्री का, उधर फिजिक्स का, ये सारा ऑपरेटर्स रखा हुआ है और बच्चे जो है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि हमारा जो लैब है थोड़ा पुअर दिख रहा है क्योंकि बहुत सालों से गवर्नमेंट के द्वारा लैब ऑपरेटर्स की सप्लाई हुई नहीं है और कुछ मिस हैंडलिंग में टूट जाता है, जैसे शीशा वगैरह है तो छोटे बच्चे हैं तो कुछ कुछ जो टूट गया वो गया, तो अगर कुछ और सप्लाई हमको मिल जाती तो हम बेहतर को और बेहतर बना सकते।